द ग्रेट खली ने हल्द्वानी में जख्मी होने का हिसाब दून में चुकता कर लिया है। दिलीप सिंह राणा उर्फ खली ने रविवार को हुई फाइटिंग में विदेशी रेसलर ब्रॉडी स्टील नॉक्स और अपोलो को महज कुछ ही मिनटों में चित कर दिया। रविवार देर रात रेसलिंग का महामुकाबला द ग्रेट खली और ब्रॉडी स्टील के बीच हुआ। मुकाबले में कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट CWE ने यह मुकाबला 1-1 का तय किया था। घायल खली सर पर पट्टी बंधे होने के बावजूद भी जैसे ही रिंग में उतरे, दर्शकों ने खली का बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया। इस पूरे मैच में अपोलो और नॉक्स को चेन से बांधे रखा गया। मैच के दौरान खली को अपने ऊपर भारी होते देख ब्रॉडी ने रेफरी से चाबी छीनकर दोनों साथियों की चेन खोल दी, जिससे तीनों ने कुर्सी से खली पर लगातार ताबड़तोड़ हमले किए और खली रिंग से बाहर गिर गए। वहीं खली को डॉक्टर की सलाह पर स्ट्रेचर से स्टेडियम से बाहर ले जाया जाने लगा। तभी खली अचानक स्ट्रेचर से उठे और रिंग में जा पहुंचे। खली ने तीनों रेसलरों का मुंह तोड़ जवाब दिया और तीनों पहलवानों को चारों खाने चित कर दिया। रविवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में फाइनल फाइटिंग में सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे। शो का आगाज रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ। वहीं रेसलिंग शो की पहली फाइट ब्रायन क्रेज और जस्टिन कवलर के बीच हुई। करीब 15 मिनट तक चली इस फाइट में ब्रायन ने जस्टिन को पटकनी दी। खली की शिष्य बुलबुल ने भी विदेशी रेसलरों को चित कर अपनी जीत के झंडे गाड़े। हालांकि इस मुकाबले में खली महाबली साबित तो हुए हैं, लेकिन वो अपने खून का बदला खून से नहीं ले पाए। वहीं दूसरी ओर इस पूरे शो में प्रशासन की ओर से लापरवाही देखने को मिली। शो में कुछ लोगों ने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की, जिसमें एक मीडिया कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज, देहरादून।